और स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम शेफाली का तड़का में। दोस्तों, त्योहारों का मौसम आ चुका है और बात अगर त्योहारों की हो और कुछ मीठा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं पनीर की खीर। जी हाँ, आज हम बनाएंगे पनीर की खीर। वैसे तो आप सभी ने पनीर कई रूपों में खाई होगी, जैसे पनीर के पराठे, पालक पनीर, मटर पनीर, पनीर भुर्जी वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम बनाएंगे एक आसानी से बनने वाली सिंपल लेकिन टेस्टी रेसिपी, पनीर की खीर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। शुरुआत करेंगे एक नॉनस्टिक कढ़ाई से और अब इसमें हम दूध उबलने के लिए रख देंगे। पनीर की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर 1 से 1.5 कप, घी लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच, कटा हुआ काजू लगभग 2 बड़े चम्मच, मगज मिर्च लगभग 2 बड़े चम्मच, हरी इलायची 8 से 10, चिरौंजी 2 बड़े चम्मच, किशमिश 2 से 3 बड़े चम्मच, केसर 7 से 8 स्ट्रैंड्स दूध में भिगोए हुए और दूध 1.5 से 2 लीटर। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम हमारे ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवों को घी में भून लेंगे, लेकिन धीमी आंच पर। डालेंगे इसमें घी। ध्यान रखिए, मेवों को भूनते समय गैस हमेशा मध्यम फ्लेम पर रखिएगा, वरना मेवों के जल जाने का डर रहेगा और उनमें वो सौंधापन भी नहीं आएगा जो कि खीर का स्वाद बढ़ाएगा। घी हमारा लगभग गर्म हो चुका है, आइए देखते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। घी गर्म हो चुका है, थोड़ा सा इसको और गर्म होने देंगे। दूध को हमने उबलने के लिए पहले से ही रख दिया है, इसको हमें रिड्यूस करना है थोड़ी देर तक, जिससे कि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए और अपनी क्वांटिटी से थोड़ा सा कम रह जाए। दूध गाढ़ा करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी गैस मीडियम फ्लेम पे हो, यानी कि मध्यम आंच पे। इससे आपका दूध जलेगा नहीं और उसका टेक्सचर भी सही रहेगा। साथ ही बीच बीच में इसको चलाते भी रहें। हमारा घी भी गर्म हो चुका है, शुरुआत करेंगे हम इसमें काजू भूनने से। डालेंगे काजू। मेवों को भूनते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का गुलाबी होने तक ही भूनना है। हमारे काजू लगभग भून गए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल हल्का गुलाबी ही रखना है। हमारे काजू भून चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे चिरौंजी। काजू की तरह चिरौंजी में भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये ज़्यादा ना भुनें, हल्की आंच पे हल्का गुलाबी होने तक ही भूनना है हमें हमारे सारे मेवों को, ताकि उनका स्वाद और उनका सौंधापन बना रहे। हमारी चिरौंजी भी भून के तैयार हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेंगे और गैस बंद कर देंगे। एक चम्मच को लेके बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे और जो मलाई साइड में इकट्ठी हो जा रही है उसको धीरे धीरे वापस स्क्रैप आउट करके दूध में ही डालेंगे। इससे दूध का टेक्सचर अच्छा होता है, गाढ़ापन आता है और आपकी खीर को एक अच्छा बेहतरीन स्वाद और टेक्सचर मिलता है। दूध गाढ़ा हो चुका है, आँच को धीमा करेंगे और अब बारी है इसमें डालने की मेवों की। तो शुरुआत करेंगे काजू से, चिरौंजी, मगज के बीज, किशमिश हम आखिर में डालेंगे जिससे कि वो फटे नहीं।
डालेंगे केसर जो हमने पहले से दूध में भिगो के रखा है। केसर डालने से न केवल हमारे खीर की रंगत अच्छी होगी बल्कि उसमें एक अलग ही स्वाद भी आएगा। एक बार फिर धीमी आंच पे इसको चलाएंगे ताकि ये सब आपस में मिल जाए और फिर 5 मिनट के लिए दूध को फिर से गाढ़ा करेंगे। ध्यान रखिए दूध गाढ़ा करते टाइम पे आंच हमेशा मध्यम रखिएगा और इसको लगातार हिलाते रहिएगा वरना दूध के जलने का डर हो सकता है। और अब हमारी खीर भी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स जो कि है किशमिश और चीनी। और अब गैस को बंद कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। और अब बारी है इस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट की जिसके बिना ये रेसिपी ही अधूरी है। जी हाँ, अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर हमने कद्दूकस करके पहले से रखा हुआ है। और पनीर डालने के बाद हम आंच मध्यम ही रखेंगे और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें बारी है डालने की आखिरी इंग्रेडिएंट जो है इलायची। हमने इलायची के दानों को निकाल के उनको कूट लिया है और अब इसमें हम डाल देंगे इलायची दाने। इलायची डालने से न केवल खीर की खुशबू बढ़ती है बल्कि उसका स्वाद भी निखर के सामने आता है। हमारी खीर तैयार हो चुकी है और अब बारी है इसको सर्व करने की। और अब बारी है इस रेसिपी से जुड़ी हुई कुछ खास टिप्स की। चीनी और किशमिश हमेशा आखिर में डालिएगा क्योंकि इनसे दूध के और खीर के फटने का डर रहता है। दूध हमेशा मध्यम आंच पर ही गाढ़ा कीजिएगा। और तीसरा, इस खीर को बनाने के लिए हमेशा या तो किसी भारी तले की कढ़ाई का या फिर एक नॉनस्टिक कढ़ाई का ही उपयोग कीजिएगा। इससे दूध के जलने या चिपकने का डर नहीं रहेगा। इस त्योहार के मौसम में आप भी बनाइए और स्वाद लीजिए इस छटपट सी बनने वाली स्वादिष्ट रेसिपी का। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, साथ ही साथ Instagram, Facebook पेज और Twitter पर भी। अपने सुझाव हमसे जरूर शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।